तबाह हो गई, दोनों विधवा हो गई। तो विचार किया अब क्या किया जाए, तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के हम मगध देश में पैदल पैदल चलने लगे। दोनों रानियां आज मगध में पहुंच गई, अपने पिता को अपने वैधव्य का कारण बताया। आज देखा कि जरासंध ने सुना तो उसका उसको बड़ा क्रोध आया। पहले अपनी बेटियों को उसने ढाढ़स बताया, धीरज बताया, कहा कि बेटी परेशान मत हो, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। आज जब देखा कि हमारी दो दो बेटियां विधवा हो गई, बहुत क्रोध आया, संकल्प ले लिया कि हम यादवों को पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। ऐसा जरासंध ने संकल्प लिया। उसने 23 अक्षौणी सेना एकत्रित की और रात में ही मथुरा में जाकर चढ़ाई कर दी। भगवान कन्हैया बलराम, रात का समय है और अंतर्यामी देखा, बलराम जी के पास गए, भैया ये सोने का समय नहीं है, मथुरा घेर चुकी है, जरासंध आ गया है। आज जब देखा मथुरा के चार प्रमुख दरवाजे हैं और प्रमुख दरवाजे पर जरासंध खड़ा है। भगवान कन्हैया और बलराम दोनों निकल के आए। देखा जरासंध ने, सोचने लगा ये छोटा सा बालक आज। जरासंध ने देखा कन्हैया की तरफ तो कहा कि कृष्ण तू हत्यारा है, तू अभी मेरा बालक है छोटा सा, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूं। तू कायर है, तू निरा बच्चा है, तूने अपने मामा का वध किया है, तू हत्यारा है। मां पूजनी होती है तो मामा भी पूजनी है, क्योंकि माँ में एक माँ है और मामा में दो माँ है। मामा का मतलब ही है जो दो माँ का दायित्व रखे, उसको कहते माँ माँ। माँ पूजनी है, मामा भी पूजनी है, तूने अपने मामा का वध किया, तू हत्यारा है, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहा। हाँ यदि तेरा भाई बलराम जो तुझसे बड़ा है वो चाहे तो मुझसे युद्ध कर सकता है और मेरे बाणों से अपने शरीर को छिन्न भिन्न कराकर वीर गति को प्राप्त हो जाए, ऐसा अपने मुंह से डींगे कर रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा जरासंध को ललकार कर और कहा जरासंध ये तो वक्त बताएगा, ये कायरों का कार्य है जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। सूरवीर योद्धा होते हैं वो डींगे नहीं मारते, रणभूमि में कार्य करते हैं। लिखा है एक जगह कि सूर समर कर डींकर हैं और कहन जनाब आप विद्यपान रण पायर पो कायर करे प्रलाप। ये कायरों का कार्य होता है जो डींगे मारते हैं, सूरवीर योद्धा कार्य करते हैं। आज भगवान कन्हैया ने शंख का संकेत कर दिया, शंख बजा दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया आपस में, भगवान कन्हैया को आपस में लड़ना भी मालूम था। आज चतुरंगड़ी सेना जरा सिंधु की जो है आपस में लड़ने लगी, हाथी से हाथी वाले और घुड़सवार से घुड़सवार, रथी से रथी, पैदल से पैदल वाले, सब आपस में लड़ने मरने लगे। भगवान कन्हैया बलराम चुपचाप खड़े देख रहे, समाप्त कर। इस प्रकार 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। 18वीं बार विचार किया कि क्या किया जाए, उसका एक मित्र था कालयवन,
उसको ये संदेश दिया कि मित्र मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। आज जब देखा तो काल यवन आज 3 करोड़ मिलक्ष सेना लेकर अपने मित्र जरासंध की सहायता के लिए आ गया। 3 करोड़ मिलक्ष सेना आज जब आई और फिर 18वीं बार मथुरा को घेर लिया। भगवान कन्हैया ने विचार किया क्या किया जाए। बलदाऊ जी से कहा कि भैया अब की बार काल यवन आया है और इसकी मौत तो हम लोगों के हाथ से नहीं। हम ऐसा करेंगे कि इसको अपशब्द देकर ले जाएंगे जहां इसकी मौत है और तुम हल मूसल से सेना को देखे रहना। आज कन्हैया ने काल यवन को भले बुरे शब्दों से लताड़ा और दौड़ने लगे। काल यवन भी भगवान के पीछे भागने लगा। इधर बलराम जी ने बलराम जी का हथियार मालूम हल और मूसल है। हल की नोक में फांसते हैं, मूसल की ठोंक लगाते, सारी सेना को समाप्त छड़बर में शेषा बता रहे। और इधर कन्हैया भागने लगे मैदान छोड़ के। नाम पड़ा रण छोड़। आज रण को छोड़ के भगवान भाग रहे हैं पीछे काल यवन। और कहा कृष्ण ये कोई जरासंध नहीं है, कंस नहीं है, ये साक्षात काल यवन है, तेरा काल है। भगवान भाग के एक पर्वत की गुफा में जाकर घुस गए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। युवनाश नंदन मानधाता के पुत्र हैं राजा मुचकुंद, आज सो रहे हैं। और भगवान ने अपना पीतांबर उतारा, राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और वहीं गुफा में छुपकर बैठ गए। इधर काल यवन पहुंचा, देखा कन्हैया हमारे डर के कारण यहाँ छुप गया, सो गया। जाते जाते ही उसने राजा मुचकुंद के छाती पर पैर का प्रहार कर दिया, लात मार दी। लात मारी वैसे ही राजा मुचकुंद की नींद खुल जाती है। और जब नींद खुल गई तो आंखों का प्रकाश इतना तेज निकला जो काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। आज जब भस्म हो गया तो अब मुचकुंद ने विचार किया ये भस्म कौन हो। भगवान श्याम सुंदर आज दर्शन देने लगे राजा मुचकुंद को। अब राजा मुचकुंद विचार कर रहे कि भस्म कौन हुआ और ये दर्शन कौन दे रहा है, क्या है, चक्कर में पड़ गए। जाग पड़ा मुचकुंद सुन काल यवन का शोर, और पड़ते ही उसकी नजर हुआ यवन का भोर। बड़ी सुंदर झांकी भगवान श्याम चंद्र की। और मुचकुंद आज बैठे, भगवान कन्हैया ने दर्शन दिया और कहा राजा मुचकुंद द्वापर का समय है, मेरा अवतार हो गया है। ये जलने वाला व्यक्ति काल यवन था, इसकी मौत तुम्हारे हाथों से थी। राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की और इसके बाद जब ये थक गए तो देवताओं से आदेश लिया कि अब हम थक चुके हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जाइए तुम विश्राम करो जाकर। आज इसी पर्वत की गुफा में विश्राम कर रहे हैं और कह दिया था जो भी तुम्हारी नींद में बाधा डालेगा आंख खुलते ही जलकर भस्म हो जाए। आज इस प्रकार भगवान कन्हैया ने दर्शन दिया राजा मुचकुंद को, समझ गए कि द्वापर का समय है, भगवान कन्हैया का अवतार हो गया। रूप देख मुचकुंद ने लिए नाथ पहचान, और चरणों पर गिर कर कहा दया करो भगवान। आज
भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया और मुचकुंद जी प्रार्थना करने लगे। आज भगवान की प्रार्थना करने लगे राजा मुचकुंद। और दो मिनट हम लोग भी भगवान कन्हैया का नाम स्मरण करेंगे मन और वाणी को पवित्र करते हुए। इसके बाद रुक्मिणी जी का पावन प्रसंग। सभी भक्त बड़े भाव के साथ में गाएंगे कि तुम कहां छुपे हो श्याम रे और मेरे नैना हुए हैं बाबरे। तुम कहां छुपे हो श्याम रे मेरे नैना हुए हैं बाबरे। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी रे मेरे थकने लगे हैं पापरे। तो मैं कहां छुपे हो सापरे मेरे नैना हुए हैं पापरे। अब ढूंढे ढूंढे कर हारे रे मेरे थकने लगे हैं पापरे। तुम चाहे तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता। अपने बालक से बिछड़ कर सुख से कभी ना सो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ कर सुख से कभी ना सो सकता। तुम दीनों के दीना नाथ रे तुम दीनों के दीना नाथ रे। जरा देना हमारा साथ रे मैं ढूंढ ढूंढ के हारी रे थकने लगे है पाप रे। तो कहां छुपे हो सांप रे मेरे नैना हुए हैं पाप रे। अब ढूंढे ढूंढे करे हारे रे मेरे थकने लगे। हमारी इधर चले कभी उधर चले। बीच भंवर में नाव हमारी इधर चले कभी उधर चले। सारी दुनिया ढूंढ फिरा तो इधर मिले ना उधर मिले। सारी दुनिया ढूंढ फिरा तो इधर मिले ना उधर मिले। हाँ
सारी दुनिया ढूंढ फिरा तो इधर मिले ना उधर सारी दुनिया ढूंढ फिरा तो इधर मिले ना उधर मिले जरा बंदी को ले लो हाथ रे जरा बंदी को ले लो हाथ रे जरा देना हमारा साथ रे मैं ढूंढ ढूंढ के हारी रे थकने लगे है बाबरे तो मैं कहाँ छोड़े हो बाबरे तेरे देना हुए बाबरे हमें ढूंढे ढूंढे कर हारे प्रार्थना की और इसके बाद उनको आशीर्वाद देकर आए और इधर भगवान कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि भैया हम लोग कब तक यहां युद्ध करते रहेंगे, अब हमें यहां से चलना चाहिए। 18 बार संग्राम मथुरा पे चढ़ाई हो चुकी, अब हम लोग यहां से चलेंगे। कब तक ये मथुरा के निवासी हमारे चक्कर में संकट उठाते रहेंगे। आज भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के बीच में एक सुंदर भवन सोने का बसाया जिसको द्वारकापुरी कहते हैं। द्वारका का निर्माण कराया। जितने भी मथुरा के निवासी थे सब अपनी माया से वहीं पर स्थापित कर दिए।